दोस्तों शाम के बज गए हैं 6, चाय पकौड़े खा लिए हमने रहमत भाई, और इस समय रहमत भाई हमें ले जा रहे हैं बगीचे में कहीं, तो ये सुक्की टॉप ठंड हो गई है। तो रहमत भाई ये मैं मिलवा देता हूँ, ये हमारे रहमत भाई हैं और घुमक्कड़ रहमत के नाम से इनकी आईडी है फेसबुक पर, और वाकई बहुत अच्छे जिंदा दिल इंसान है और बहुत अच्छे इंसान है। तो कुछ बताएं सुक्की टॉप के बारे में और हमारे इस ट्रिप के बारे में। देखिए ये हमारा विंटर गंगोत्री ट्रिप है, और विंटर में बहुत लोग इस भ्रम में रहते हैं कि हमें माता जी का दर्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे विंटर में हम लोग माता जी का दर्शन भी करते हैं और यहाँ की प्राकृतिक नज़ारे का भी बहुत अच्छे से बर्फ में माता जी के दर्शन मुखवा गांव में होंगे। हाँ वहाँ पे होंगे, वहाँ श्रृंगार रूप में, श्रृंगार रूप में गंगोत्री जब विंटर में बंद हो जाते हैं रूप में होते हैं, हाँ तो समर में गंगोत्री में जब कपाट बंद हो जाते हैं तो मुखवा गांव, मुखवा कल जाएंगे हम। हाँ जी कल जाएंगे मुखवा। और मैं सुक्की गाँव के बारे में बता देता हूँ, सुक्की गाँव एक ऋषि मुनि थे, सुखदेव मुनि, अच्छा उनका ये तपोस्थली थे, ठीक उन्हीं के वंश हैं ये लोग। अच्छा उन्हीं के नाम पर ये नाम। हाँ जी अच्छा। सुखदेव मुनि थे तो अच्छा। उन्हीं के नाम पे ये सुक्की गांव बना। अच्छा। और 1803 में यहाँ पे एक जबरदस्त भूकंप आया था, अच्छा लगभग सारे लोग यहाँ के मर गए थे, 6 लोग बचे थे। ओहो। तो उनके फिर उनकी पीढ़ी ये बचे ही। अच्छा उन्हीं ने आगे मतलब ये बच गए फिर आगे। जी तो ये रहमत भाई थे, इन्होंने कुछ संक्षिप्त में बताने कराए ये, क्योंकि बहुत पिछले 4-5 साल से यहीं रह रहे हैं और बखूबी जानते हैं इन जगहों को, तो ये इनका बताया जो इस सुक्की के बारे में। और आप भी देखिए ये, और ये अपना शेरा जो ऋषिकेश से आया चल के। तो ठीक है दोस्तों अभी रहमत भाई के साथ थोड़ा घूमते हैं, तो यहाँ पे मेंबर इकट्ठे हो रहे हैं, ये राणा जी और रहमत भाई कुछ दिखाने ले जा रहे हैं, अभी ये मेंबर्स आ गए हैं वैसे सारे। आइए सर सब आइए, क्या क्या रहमत भाई कहाँ ले जा रहे हैं वो हमें? क्या अभी हम केसर का थोड़ा सा बगीचा है केसर का बगीचा है वो दिखाने ले जा रहे हैं रहमत भाई, तो चलते हैं आगे आपको दिखाते हैं ये सुक्की टॉप पर। चलो 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 इनके पीछे चलो राणा जी के, चलो राणा जी ले जा रहे हैं केसर का बगीचा दिखाने, कोई दिक्कत नहीं है कुछ नहीं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं, चलो चलो दो मिनट आ जाओ आ जाओ। ये लोग जला देते होंगे, हाँ या बोन फायर वगैरह होगा रात में, और ये ऊपर राणा जी ले जा रहे हैं हमें, देखिए क्या शानदार नजारा है। ये है जो पिताजी के टाइम का, ये सेब है सेब, ये बल्कि हम भाई ने लगा रखे हैं, ये मैंने लगा रखे हैं पेंशन आने के बाद, ये छोटे जो दिख रहे हैं, अच्छा ये मेरे भाई और भाई ने लगा रखे हैं, और वो जो नीचे बड़े पेड़ हैं वो पिताजी ने लगाए। तो ये पत्ते रिटायर हो गए हैं भाई? हां तो ये पत्ते पुत्ते सब झड़ जाते हैं? हां हां बिल्कुल। तो कब आएंगे पत्ते? इसको कटिंग किया हुआ है जैसे हम लोग बाल बढ़ाते हैं वही सेम चीज, ये देखिए आपने हमने काट रखे हैं बड़े बड़े करके, अच्छा ये सारे, तो इसको छंटनी करके ये दोनों। तो पत्ते कब आएंगे? पत्ते अभी इसमें आएंगे इसके अप्रैल 3rd वीक में, अप्रैल 3rd में पत्ते आएंगे। और फल तो बस पत्ते आए फूल आए है ना, उसके बाद फल लगना शुरू हो जाता है, तो फिर वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं। जो बात कर रहे थे वो हाइब्रिड की बात कर रहे थे आप? हाइब्रिड नहीं, मतलब ये है एक ही पेड़ से कई प्रकार के। अच्छा ज्वाइन कर रहे थे। तो ये राणा जी ये सेब की फसल के बारे में बता रहे थे, ये सेब के पेड़ है ये, इनका होम स्टे और इनके बाग है, डिलीशियस है, सितंबर अक्टूबर तक पूरा पकता होगा। कौन सा ये गोल्डन डिलीशियस आपके पीछे? ये वाला, आपके पीछे वाला ये रॉयल डिलीशियस है। अगर आप देखेंगे तो आप तो खैर इतने पर तने से जो है पता लगा। अच्छा तने, तो मतलब सेब की क्वालिटी होती है राणा जी बता रहे हैं, कौन कौन सी क्वालिटी के पेड़ है? कालापन है लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा हो रहा है। होम स्टे से करीब करीब 50 से 75 मीटर ऊपर आ गए हम। ये राणा जी कह रहे हैं केसर है, तो राणा जी कुछ बताएंगे इस बारे में, बताइए। ये देखिए इसका स्वभाव बिल्कुल उल्टा है, आजकल देख रहे होंगे पूरी घास जो है पूरी सूखी हुई है, पीली नजर आ रही है या तो दिखी नहीं रही है ना, लेकिन ये हरा है, ये केसर है हरा। जैसे जैसे ये घास यानी कि मई के महीने ये घास हरी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, और ये पीलापन शुरू हो जाएगा, और ये जून जुलाई अगस्त तक इसमें ऐसा लगेगा जैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा वापस ये अपना जो है लगभग सितंबर लास्ट वीक में पुराने रूप में अपना जो है फिर पौधा निकलेगा। अच्छा तो इसमें फूल भी रखते हैं? फिर पौधा निकलते ही जो है आपका अक्टूबर 1st वीक में आपका यहाँ पे जो है
इसका फ्लावरिंग शुरू हो जाए। वेरी गुड फ्लावरिंग। तो अभी वाली खेती हो चुकी इसकी? हाँ। तो इस ये बिकता है? ये तो लगभग 3.5 लाख रुपए केजी। अरे बाबा ये वाला केसर केसर है ओरिजिनल केसर है ये आप इतना सा केसर कितना लगभग मैं और पास से दिखा देता हूँ ये असली केसर है देखिए राणा जी दिखा रहे हैं अगल बगल का घास सूख रखा है ये हरा है ये तो देखिए ये ट्रायल बेस पे एक किलो की कीमत 3.5 क्योंकि देखिए 4 लाख रुपए केजी है इसकी ये 2 बार उग चुकी है कितना चाहिए क्या इनको 6-7 साल तक हम छेड़ेंगे नहीं बस ऐसे क्यारी बनी है एक किलो में कितना कितने लगभग 350 3.5 लाख ये 1 किलो का हो जाएगा इतना नहीं होगा ये तो मुश्किल से आपका जो है 250 ग्राम से 250 ग्राम जो ये अगर इसमें पूरे फ्लावर देते हैं तो अच्छा ये कह रहे हैं जितना ये खेत है अगर इसमें पूरे में फ्लावर आ गए तो 250-300 ग्राम होगा फूल सुबह निकलता है। राणा जी ने ये समझाया केसर के पेड़ के बारे में बताया सेब के पेड़ में बताया तो थोड़ा और घूमेंगे फिर हम नीचे चलेंगे अपने गेस्ट हाउस पे। रात के बज गए हैं 9 डिनर का टाइम हो गया है। अब देखो मैं पारंपरिक चूल्हा दिखाता हूँ गढ़वाल का खाने का देखो कैसे खाना बनता है। ये देखिए ये बहन जी खाना बना रही है ये देखो चूल्हे की रोटी दाल चावल सब्जी रोटी तो खाना कितना प्यार से खिलाया जा रहा है यहाँ ये देखिए आप ये चीज़ है देखो इस ट्रिप में चपाती है दाल है ये आलू गोभी की सब्जी है चटनी है देखने में बहुत सुंदर लग रहा है खाना बहुत स्वादिष्ट है। और कुछ मेंबर ने कर लिया कुछ दूसरी तरफ कर रहे हैं रूम के बाहर हम यहाँ कर रहे हैं तो अभी भोजन करते हैं तो हमने वहाँ भोजन कर लिया यहाँ भोजन हो रहा है मैं दिखाता हूँ राजीव भाई भोजन हो गया आपका सर आप जो है भोजन ठीक हो भोजन चल रहा है यहाँ डाइनिंग हॉल पे दोस्तों रात के बज गए हैं 9:30 सबने करीब करीब खाना खा लिया है तो सब थके हुए हैं क्योंकि सुबह 5 बजे से जगे हुए थे 7:30 बजे हमने सफ़र शुरू कर दिया था 235 किलोमीटर की यात्रा हुई है और ऊपर भी गए थे सेब के बाग देखने और वो तो थक गए तो आज बॉनफायर सबने कहा कि आज रहने देते हैं कल और परसों करेंगे बॉनफायर का वैसे इंतजाम था सब था लेकिन सबकी सर्वसम्मति से आज बॉनफायर नहीं हो पा रहा है तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। अब मैं आज के ब्लॉग की समाप्ति करता हूँ कल हम गंगोत्री मंदिर मुखवा गांव वगैरह जाएंगे हरसिल वगैरह फिर मैं आपसे वहाँ पे मिलूँगा तब तक के लिए नमस्कार शुभ रात्रि मित्रों।